वक्त नष्ट नहीं होगा। ये मैंने केवल एक उदाहरण आपको दिया है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है। अब आप समझ सकते होंगे कि वो किताब नहीं है, एटम बम है। आप समझ गए हो ना? पिछली बार की पुस्तक मेला में इस किताब पे बैन लगा दिया है, हंगामा हुआ, इस बार पुस्तक मेला में वो किताब आई मेरे पास है, वो जिसको चाहे फोटोस्टेट करा लेगा। ऐसा है कि भाई साहब के पास फोटो कॉपी करा करके और जो है सब लोग एक एक करके, बहुत अच्छी है। हाँ, अब आप समझ सकते हैं किताब क्यों जरूरी है। मैं केवल इसीलिए बता रहा हूँ कि इसी प्रकार अन्य किताबें हैं जिनको आप पढ़िए। जब तक आप बाबा साहब के मूल विचारों को नहीं पढ़ेंगे, द्वितीयक स्रोतों को ना पढ़िए। अभी आप पहले मूल विचारों को पढ़िए। बाबा साहब ने क्या कहा, शूद्रास है ना, द अनटचेबल्स। ये आप जब मूल किताबों को पढ़ेंगे तब आपको सही से जो है जानकारी होगी। क्योंकि बाबा साहब जितना विद्वान, मुझे नहीं लगता कि अब तक जो है हमारे समाज में कोई आप है, बल्कि निर्माण हुए करते हैं इतने साल हुई, तो जितनी डिग्रियाँ उन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों में रह करके प्राप्त कर ली। आज हमारे पास अच्छी ड्रेस भी है, अच्छे कपड़े भी हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि हम जब चाहते हैं चाय पी लेते, जब चाहे सो लेते हैं, जब चाहे पढ़ा पढ़ा तो नहीं पढ़ा। ये जो सहूलियत आई है ना, वो बाबा साहब की देन है। कि तब सोचिए कि बाबा